सरकार द्वारा दो दिन सरसों की एमएसपी पर सरकारी खरीद करने की घोषणा के बाद खरीद के दूसरे दिन चरखी दादरी मंडी के बाहर हजारों किसान फसल लेकर पहुंचे। करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे किसानों के वाहनों के चलते जाम की स्थिति बनी रही। खरीद को लेकर हो रही मारामारी के चलते प्रशासन और पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं किसानों ने बैकडोर और पैसे लेकर टोकन लेने के आरोप भी लगाए। वहीं प्रशासन ने सबूत आने पर कार्रवाई करने की बात कही है। किसानों ने कहा कि कल सुबह से वो लाइनों में लगे हैं। मंडी में अव्यवस्था के चलते लाइनों में लगने के बाद भी खरीद का नंबर नहीं आया है। कहीं पैसे लेकर टोकन दिए जा रहे हैं तो कहीं बैकडोर से एंट्री करवाई जा रही है। किसानों ने सरकार से खरीद का समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। किशन से तो करा भाई, तड़का ही 5:30 बजे आया था भाई। जब दाना ली तो रोज ले ली ना यार, क्यों खराब माटी कर रखी है एक दिन खातर है। जमींदार ही देख 3 किलोमीटर लंबी लाइन लाग रही है, रोटी भी ना खाई तड़का रही, पानी उरे सह को नहीं किता है, खराब माटी हो रही है भाई, दाना को नहीं बेकदा, खून पी रखे सरकार ने। घंटा कर रखा है सुसरो की चामना ना दिखा, प्रबंध कितना भी पानी भी कोनी चल दिखा दे कितना पानी हो तो रोटी तो दूर की बात सी यार, खाक चाम है भाई कम से वो अभी तो कुछ कोनी देखा जाके ने। क्या 2 दिन में खरीद हो पाएगी? ना भाई होली खरीद खरीद बनिया बनिया क्यों हुआ है, वो तो बैठा टोकन काट दी ही जमींदार, वो एक टोकन कटा है और बनिया 10 टोकन कटवा ले जाए भाई। वहीं मंडी अधिकारी परमजीत नांदल ने कहा कि पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, दोनों गेटों पर टोकन काटने के लिए अलग से कर्मचारी तैनात हैं। प्रबंध के लिए जैसे कि हमारी लाइन कल लगी हुई थी, कल देखा उससे देखा कि कल भीड़ ज्यादा है, अभी भीड़ तो है, लाइन लंबी लगी हुई है, तो उसके लिए काम सुचारू से चलता रहे तो SDM साहब ने तहसीलदार साहब की भी साथ में ड्यूटी अटैच की है, और साथ में जो सिस्टम इस गेट पर एक चल रहा था एक की बजाय 2 कर दिए गए हैं, ताकि एक ही बजाय 2 व्हीकल साथ साथ क्रॉस करते रहे और जाम की स्थिति भी ना हो और खरीद भी सरकार के निर्देश अनुसार समय अनुसार की जा सके। जो लाइनें लगी हुई हैं, जो सरसों थी उसका इतना पहले अंदाजा नहीं था कि भी पहले कहा था कि भी पहले ले आओ, इस तरह की स्थिति पहले नहीं आई, तो फिर जैसे पूछा तो भी मुआवजे वगैरह की कोई मैटर था तो किसान है वो बना लेगाने लग रहा जी, हमने तो फसल बेचनी है। कैसे इससे निपट पाओगे इतने किसान, हजारों किसान? दूसरी ओर SDM नवीन कुमार ने किसानों द्वारा पैसे लेकर टोकन देने के आरोपों के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सबूत लाएं, कार्रवाई की जाएगी। देखिएगा, अब सरकार द्वारा 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, इस दौरान हम खरीद कर रहे हैं और कुछ रस था बाहर और उसमें हमने आके अब जो ऑपरेटर जो थे पहले वो कम थे यहाँ पर, अब हमने एक एक ऑपरेटर और बढ़ा दिया गेट्स पे और प्रॉपर एंट्री गेट्स और एग्जिट गेट्स सब डिफाइन कर दिए हैं। जो पुलिस थी हमारे यहाँ पर, जो मुलाजिम जो ड्यूटी कर रहे थे, उनको भी ब्रीफ कर दिया है और अब मैं देख रहा हूँ पिछले आधे घंटे से मैं यहीं हूँ, सुचारू रूप से जो है खरीदारी चल रहा है। आरोप लगाया गया है कि जो गेट पास दिए जा रहे हैं उसके पैसे लिए जा रहे हैं, कल भी आरोप लगाए थे, आज भी आरोप लगा रहे हैं। देखो अगर अगर किसी के पास कोई तथ्य हैं, ऐसे आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अभी हम बैठे हैं, आप बिल्कुल स्मूथ गेट पास कट रहे हैं, तो इन तथ्यों में मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि सरकार की 2 दिन सरसों खरीद की घोषणा के बाद से ही किसान सरसों लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन मंडी के बाहर हजारों की संख्या में किसान वाहनों में सरसों लेकर पहुंचे, इसके चलते आज जाम की स्थिति बन गई। वहीं मंडी गेट में एंट्री को लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ। हालांकि मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल द्वारा स्थिति को संभाला भी गया। वहीं मंडी अधिकारी के अलावा SDM नवीन कुमार और CTM रेणुका नांदल भी मंडी में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।